सबसे पहले हम जो है स्लाइडर पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे जो कंपोनेंट है, ये मेरा कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट में सर ब्रश की जो इंसर्ट है, तो इस कंपोनेंट को इंसर्ट को निकालने के लिए यहाँ पे जो है मैं अंडर स्लाइडर का यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये अंडर स्लाइडर होता क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको कंपोनेंट और आपको जो है अगर मैं स्लाइडर दिखा देता हूँ, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो कंपोनेंट है यहाँ पे लिफ्टर के एंगल बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लिफ्टर नहीं चला पाएंगे, लिफ्टर नहीं चला पाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है हमने अंडर स्लाइडर बनाया। बेसिकली ये जो स्लाइडर है आपकी कोर की नीचे से चलता है, और यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे अलग तरीके से एक जो है इजेक्शन दे रहा हो, तो इसको कॉन्सेप्ट को बोलते हैं अंडर स्लाइडर है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने स्लाइडर लगा रखा हो, तो ये स्लाइडर जो है यहाँ पे हम स्लाइडर पे पिन चला रखा है, तो पिन से क्या एडवांटेज होती है, अगर आप किसी स्लाइडर पे पिन से चलाते हो तो यहाँ पे क्या कंपोनेंट पे कहीं पे भी पार्टिंग की मार्क नहीं आता, तो ये जो है बेस्ट तरीका होता है। अगर आपके कंपोनेंट्स में होल्ड हो, आप जो है यहाँ पे पिन से स्लाइडर चला सकते हो, लेकिन इसमें आपको एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके आपको लिमिट स्विच वगैरह लगाना पड़ेगा। तो अब जो हम आते हैं लिफ्टर पे आते हैं, तो यहाँ पे देख पाओगे कुछ अलग अलग तरीके से लिफ्टर लगा रखा है, कुछ जो है यहाँ पे स्ट्रेट लिफ्टर है, और कुछ जो है यहाँ पे एंगुलर लिफ्टर है, और कुछ जो है यहाँ पे डबल लिफ्टर है। तो बेसिकली यहाँ पे इतना लिफ्टर लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये मेरा स्ट्रेट लिफ्टर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा जो है एंगुलर लिफ्टर है। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों मैं आपको अगर कंपोनेंट दिखा दूँ, तो कंपोनेंट में पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है, तो यहाँ पे क्या है लिफ्टर चल रहा है, लिफ्टर चल रहा है। अब लिफ्टर जैसे यहाँ पे इजेक्ट होने वाला है, यहाँ पे कंपोनेंट पे हिट करने वाला है, तो यहाँ पे आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा कि ये जो लिफ्टर है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आराम से इजेक्ट हो जाए, और कॉम्पोनेंट पे कहीं पे भी जो है स्कैच मार्क वगैरह ना आए। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे डबल लिफ्टर के कॉन्सेप्ट लगा रखा हो, तो डबल लिफ्टर के कॉन्सेप्ट कहाँ लगाते हैं, बेसिकली जो लिफ्टर होता है, लिफ्टर के एंगल होता है आपसे एक से लेके 15 डिग्री, जहां पे आपकी 20 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री का लिफ्टर आता है ना, तो वहां पे आपको इस तरीके से डबल लिफ्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम जो है कस्टम लगाएंगे, कस्टम मेड जो यहाँ पे कोकू लगाएंगे। तो ये तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट वगैरह में मोल्ड डिजाइन बनाना आपको आना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से फ्री लेक्चर वगैरह चाहिए, चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह डिटेल दे रखा हूँ, वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।